नमस्कार नमस्कार एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल जीसस क्लास। वेल स्टूडेंट्स, अभी तक हम जो है डिफरेंट मेथड डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ टू सॉल्व अ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। ओके, स्टार्टिंग में हमने बात करी थी ग्राफिकल मेथड की, आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, उसके बाद हमने बात करी एलिमिनेशन मेथड की, लास्ट वन हमने बात करी थी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड की। ओके, अगर आपने बच्चे इन वीडियोज को नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगा, तो अपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करें पहले तो। ठीक है, जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट आपका है, अगर आपको वो क्लियर है, अगर वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लियर बात है, वेरी गुड। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम अगर ओके वन मोर थिंग, अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड समझ में नहीं आया, 40% 60% समझ में आया, तो अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आई थिंक उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको वो 100% समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 3.5। एग्जांपल नंबर 14 इज फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बैंगलोर, इफ यू बाय टू टिकट्स टू मलेश्वरम एंड थ्री टिकट्स टू यशवंतपुर, द टोटल कॉस्ट इज 46। ओके, देखो बच्चे, एक बस स्टैंड है बैंगलोर में, वहां से अगर हम दो टिकट खरीदते हैं मलेश्वरम की और तीन टिकट खरीदते हैं यशवंतपुर की, तो टोटल कॉस्ट हमें पे करना पड़ता है कितना, 46 रुपीज। क्लियर है, वेरी गुड। अच्छा, इफ यू बाय थ्री टिकट्स टू मलेश्वरम एंड फाइव टिकट्स टू यशवंतपुरम तो कॉस्ट आपकी 74 होती है। ठीक है, आपने कहना फाइंड द फेयर फ्रॉम द बस स्टैंड टू मलेश्वरम एंड द यशवंतपुरम। देखिए क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, बैंगलोर के बस स्टैंड से यशवंतपुरम और मलेश्वरम तक का टिकट का प्राइस आपने बताना है। तो एक काम करते हैं, पहले हम वहां तक के टिकट का जो फेयर है उसको लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 14, ओके, लेट द फेयर्स फ्रॉम बैंगलोर लोर टू मलेश्वरम एंड यशवंतपुरम, यशवंत WNT, ओके, यशवंतपुर बी रुपीज एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ओके क्लास, आई थिंक क्लियर, यहां तो कोई दिक्कत की बात नहीं आपको है, दिक्कत? अब बात सुनो बेटा, अगर हम दो टिकट खरीदते हैं मलेश्वरम की और तीन टिकट खरीदते हैं यशवंतपुर की, तो टोटल हमें प्राइस देना पड़ता है 46 रुपीज। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट अकॉर्डिंग क्वेश्चन इट इज गिवन दैट, देखो मलेश्वरम के आप दो टिकट खरीद रहे हैं, अगर आपको पता है मलेश्वरम का प्राइस जो है एक टिकट का 100 रुपीज है, तो दो टिकट कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस यशवंतपुर के आप थ्री टिकट खरीद रहे हैं, 3y, एक कॉस्ट तो आपको रुपीज देगा 46। ओके, क्लियर बात। अब बच्चे इसको हम जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस, 2x + 3y - 46 = 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों लिखा, बताया था ना मैंने बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म की फॉर्म में लिखना कंपलसरी है, इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, तीन टिकट मलेश्वरम की, पांच टिकट यशवंतपुर की, तीन टिकट मलेश्वरम की एंड पांच टिकट यशवंतपुरम यशवंतपुर की, कितना प्राइस देना पड़ता है, 74 रुपीज। ओके, इक्वल्स टू जीरो, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। ओके क्लास, इट्स क्लियर। नाउ द पॉइंट इज यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है, क्लियर है। ओके क्लास, कंटिन्यू करते हैं हम एग्जांपल नंबर 14। देखिए गिवन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास दो इक्वेशंस मिलेगी, दीस आर द टू इक्वेशंस। ओके, अब आपने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से आपने सॉल्व आउट करना है।
ठीक है, अगर आपको कोई सा भी मेथड मेंशन नहीं है तो आप कोई सा भी मेथड अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। इट कैन बी सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके क्लियर? ओके सर, देखिएगा अब एलजेब्रिक मेथड से सॉल्व आउट कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे हियर a1 = 2, b1 = 3 एंड c1 = -46। a2 is 3, b2 is 5 एंड c2 is -74। ओके लेट्स क्लियर। ओके अब आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है। एक्चुअली ये वाला फॉर्मूला आपका अप्लाई होता है, x डिवाइडेड बाय क्या होता है बच्चे, b1 c2 - b2 c1 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय c1 a2 - c2 a1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय क्या होता है बच्चे यहां से a1 b2 and a2 b1। ओके क्लास, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता तो आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। आपसे यहां से एक चीज ध्यान रखिए बच्चे, देखो अगर हम x वेरिएबल की बात करेंगे तो हमें जो x के कोफिशिएंट है उसको भूल करके इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है और भी जो माइनस का साइन लगा देना है। अगर हम y की बात करेंगे तो y के कोफिशिएंट को भूल करके हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दी, c1 को a1 के a2 के साथ एंड c2 को a1 के साथ। अगर आपने ये कांस्टेंट वाला पार्ट करना तो आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना इस तरीके से। ओके बीच में सबट्रैक्शन का साइन लगा दें। ओके नाउ कंटिन्यू, x डिवाइडेड बाय b1 इज 3 इनटू c2, c2 इज -74 -b2 5 इनटू -46 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय c1, c1 इज -46 मल्टीप्लाई में a1 इज 2 सॉरी a2 a2 इज 3 माइनस c2 इनटू -74 इनटू 2 ओके इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 इनटू b2 एंड a2 इनटू b1। इट्स क्लियर क्लास, बात समझ में आ गई है? ठीक है अब देखिए कंटिन्यू करते हैं इसको। देखिए फ्रॉम हियर यू विल गेट x डिवाइडेड बाय, देखिए कितना आएगा यहां से आपका -222 +230 y डिवाइडेड बाय 46 इंटू 3 कितना होता है आपका -138 +148 इक्वल्स टू 1/10 -9। ओके स्टूडेंट्स इट्स क्लियर? ठीक है जब हमने सॉल्व आउट किया तो हमें इस तरीके से कॉन्सेप्ट, हमें इस तरीके से वैल्यूज मिलेगी। ठीक है देखिए यहां से आपको क्या मिलेगा, x अपॉन में ये हो जाएगा आपका 8 इज इक्वल टू y अपॉन में 10 इज इक्वल टू 1/1। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको क्या मिला, इन तीनों को जो रेशियो है वो क्या आपस में इक्वल है। क्लियर बात होगी? अब एक बात सुनो बेटा, तीनों का रेशियो इक्वल है तो एक काम करेंगे, इस रेशियो को पहले इसके इक्वल करेंगे कांस्टेंट के इक्वल और फिर इसको इसके इक्वल करेंगे। तो यहां से आपके एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। देखो कैसे x/8 = 1 फ्रॉम हियर यू विल गेट x = ओके y/10 = 1 यू विल गेट y = 10। ओके क्लास इट्स क्लियर नाउ? अब यहां से आपको पता चल गया कि मलेश्वरम का जो टिकट का प्राइस है वो 8 रुपए है और यशवंतपुर का कितना प्राइस है वो 10 रुपए है। ओके तो यहां से हम लिखेंगे therefore fares from Bangalore to Malleshwaram and Yashwantpur are ₹8 and ₹10 respectively. Okay, students, I think it's clear. ठीक है अब आपको और बेटर तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में आ गया होगा। ठीक है अब बच्चे हम बात करेंगे मोर एग्जाम्पल जो आपके हैं, एग्जाम्पल नंबर 15 और एग्जाम्पल नंबर 16 की हम बात करेंगे। ठीक है तो आपको अगर कंफ्यूजन होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं। ठीक है क्लास? ओके दैन
अब बच्चे हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की, एक्सरसाइज 3.5। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 15 में आपको क्या गिवन है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ पी, फॉर विच वैल्यू ऑफ पी डज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन हियर हैज यूनिक सॉल्यूशन। ओके, आपको क्या बताना है पी के किस वैल्यू पे इस इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में हमने बात करी थी यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशंस, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशंस और नो सॉल्यूशंस की कंडीशंस। ओके, तो वो क्या क्या है आपको पता ऑलरेडी, तो वही हम यहां पर अप्लाई करने वाले। देखिएगा सर, पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर ए वन इज फोर, बी वन इज पी एंड सी वन इज एट, ए टू इज टू, B2 is 2 and C2 is also equals to 2. It's clear students. अब आपने क्या करना है, for a unique solution. Unique solution की condition क्या होती है, for unique solution हमारे पास क्या condition होती है बच्चे, we have A1 upon A2 is not equals to B1 upon B2. यही कंडीशन होती थी ना, अगर आपको यूनिक सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होते थे या अगर आपको बताने कि यूनिक सॉल्यूशंस की कंडीशंस क्या है, तो आपको पता है कि उसकी कंडीशन ये होती है a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, क्लियर है। ओके, अब उसका मतलब ये हो गया बच्चे, a1 यहां पर कितना है, a1 is 4 and a2 is 2, b1 is p and b2 is 2. ओके क्लास, इट्स क्लियर, नाउ कंटिन्यू दैट, फ्रॉम हियर यू विल गेट टू, आपको यहां से क्या कंडीशन मिलेगी, देखिए फ्रॉम हियर यू विल गेट टू इज नॉट इक्वल्स टू पी बाय टू, देन यू विल गेट पी इज नॉट इक्वल्स टू फोर। ओके क्लास, बात समझ में आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ पी की वैल्यू फोर कर छोड़ करके कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है, सबके लिए इट विल गिव अ यूनिक सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑर नॉट, देखो बेटा अगर आप 4 पुट करते हैं तो आपका रेशियो आएगा 4 अपॉन 2 दैट इज 2, 4 अपॉन 2 दैट इज 2, 8 अपॉन 2 दैट इज 4, तो आपकी नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है कि अगर p की वैल्यू आप 4 के अलावा जो भी आप पुट करेंगे यहां पर, इट कैन बी एनी नंबर, ओके, तो उसके लिए एप्लीकेबल, इट विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो क्लियर बात, देखो यहां से हमें मिल जाएगा देयरफॉर देयर कैन बी एनी वैल्यू ऑफ पी एक्सेप्ट 4। ओके, तो 4 के अलावा पी की वैल्यू कुछ भी लेंगे तो इन लीनियर इक्वेशंस को के आपको यूनिक सॉल्यूशंस ही मिलेंगे। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अच्छा, दूसरी कंडीशन बच्चे ये वाली आती है कि इट विल हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, लेकिन वहां पर आपकी जो वैसे ये ना सिर्फ कॉफिशियंट्स वो चेंज कर देंगे, ठीक है। एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चंस गिवन है आपको है, और बोल देंगे भाई इसकी यूनिक सॉल्यूशंस है या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है या नो सॉल्यूशंस है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के एम पी जो भी आपको मेंशन होगा, ठीक है। तो ये बात करेंगे इसके बाद बच्चे एग्जाम्पल नंबर 16। ओके, तो अगर आपको उसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अगर आपको डाउट होता है पॉइंट पे तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है क्लास। तो कंटिन्यू करते हैं फिर। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 16 की। देखिए एग्जाम्पल नंबर 16 में क्या बोला है आपसे, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 में आपको क्या मेंशन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, लास्ट क्वेश्चन में आपको पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और देखना था कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए पी की वैल्यू क्या होगी, और यहां पर आपको गिवन क्या है, इन इक्वेशंस में यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट इट विल हैव infinitely many solutions। देखिए क्लास, ये आपका क्या है, kx plus 3y minus bracket k minus 3 equals to 0। देखिए क्लास, this one is equation number 1 and this one is equation number 2। देखिए क्लास, here a1 is equals to k, b1 is equals to 3 and c1 equals to minus k minus 3, कोई दिक्कत नहीं। a2 is equals to 12, B2 is equals to K
and C2 is equals to minus K. Not a big problem. कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां तक, आई थिंक क्लियर हो गया. अब बात सुनो बेटा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशंस, और वो क्या होती है देखिए, फॉर इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस वी हैव, तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है, ये होती है ना ए वन अपॉन में ए टू equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2, यही तो कंडीशन होती है. अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग a1 a2 b1 b2 c1 c2 इन सब की वैल्यूज आप पुट कर देंगे, ठीक है. उसके बाद आपने सॉल्व आउट करना है, और कैसे करना है देखते हैं. इतनी बात क्लियर है? ओके दैट कंटिन्यू दैट. फ्रॉम हियर यू विल गेट a1 is k डिवाइडेड बाय a2 is 12 equals to b1 is 3 and b2 is k equals to c1 is minus k minus 3 upon minus k. इतनी बात क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए बात समझ में आ रही है आपको, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका, ओके. अब आपने क्या करना बच्चे, k की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है. आपने k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो बच्चे दोनों में से देखिए, आप बात सुनो मेरी बात, तीनों का रेशियो आपस में इक्वल है, तीनों का रेशियो आपस में इक्वल है. तो आप क्या करेंगे, एक रेशियोस को लेकर के, ठीक है, आप किसी भी रेशियो को आपस में इन दोनों के एक साथ दे सकते हैं, इन दोनों को एक साथ कंपेयर कीजिए और वहां से k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक है. तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? वेरी गुड. तो कंटिन्यू करें फिर इसको. इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ये कॉन्सेप्ट मिला था. अब आपने क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एक बात सुनो, एक बार आप इन दोनों की इक्वल ले लीजिए, ये एक बार दोनों की इक्वल ले लीजिए, ठीक है. देखिए कैसे करना है, पहले अगर हम लेते हैं k अपॉन 12 इक्वल्स टू 3 बाय k, फ्रॉम हियर यू विल गेट k स्क्वायर इक्वल्स टू 36, देन k इक्वल्स टू प्लस माइनस 6. ओके क्लास, इसके अकॉर्डिंग तो आपकी प्लस माइनस 6 वैल्यू हो रही है आपके ध्यान में. अब इसको इन दोनों को कंपेयर कीजिए, आपका 3 अपॉन k इक्वल्स टू k माइनस 3 अपॉन k, फ्रॉम हियर यू विल गेट k स्क्वायर माइनस 3k, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इक्वल्स टू 3k, यू विल गेट k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चे, ये दाब पे जाएगा माइनस हो जाएगा. फ्रॉम हियर यू विल गेट k इनटू k माइनस 6 इक्वल्स 0, हियर k इक्वल्स टू 0, देन k इक्वल्स टू 6, ओके. तो k की वैल्यू यहां से आपको एक तो 0 मिल गई, एक आपको 6 मिल गई, और यहां से आपको प्लस माइनस दोनों 6 मिल गई. अब आपने बच्चे चेक करना है, सेटिस्फाई करना है कि कौन सी जो है कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. देखो आपकी वैल्यूज क्या है बच्चे, एक तो देखो जीरो तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि जीरो पुट करने में हमारी जो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है. और दूसरी बात क्या बच्चे, हम माइनस 6 ले सकते हैं क्या? देखो अगर हम माइनस 6 वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखो बच्चे बात सुनो, देखो क्या तीनों रेशियोज आपस में इक्वल है. देखो माइनस 6 अपॉन 12 आपका आ रहा है माइनस 1/2, यहाँ आपका आ रहा है 6 3 अपॉन 6 माइनस 6 यानी 1/2 माइनस 1/2, यहाँ पर आपका आ रहा है माइनस 9 अपॉन में 6 आ रहा है, दैट इज माइनस 3/2. तो उसका मतलब ये जो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही फॉर द k इक्वल्स टू माइनस 6, तो k की वैल्यू जो होगी यहां पर देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 6 सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशंस हैविंग infinitely many solutions. Okay students, आपको बात क्लियर है, आप चेक इट आउट कर सकते हो, चेक कर सकते हो. देखो कैसे, अगर आप जीरो पुट के दे 0.212 ये भी आपका जो है आपका जो 3/0, और 3/0 का तो नो डिफरेंट होता है, ठीक है. तो जीरो तो हम ले ही नहीं सकते, तो वैल्यू क्या होगी, इसे 6 होगी, माइनस 6 भी नहीं ले सकते बिकॉज ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, क्लियर बात है यहां तक, ठीक है. तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करे, सिर्फ आपकी k इक्वल्स टू 6. तो आंसर क्या होगा, k की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, तभी आपके इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशंस के. आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्लियर है. अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे
exercise questions of 3.5. Till then, Jai Hind, take care, and thank you, students.